हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आधी रात के वक्त शहर के एक सुनसान रास्ते से होके एक लड़की जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी। जिस वक्त शहर का हर एक इंसान सोया हुआ था, वहां एक लड़की को इस तरह सड़क पर चलता देख कुत्ते भी उसके तरफ भौंक रहे थे। लेकिन वह लड़की जैसे ही कुत्तों की तरफ देखती थी, वह कुत्ते डर के मारे दुबक जाते थे। आसमान में चांद ने बादलों को ढक लिया था, लेकिन उन अंधेरों से भी वह लड़की डर नहीं रही थी। जंगल से होते हुए वह लड़की एक खंडर के बाहर आकर रुकी। वहां जाते ही उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह जैसे ही खंडर के बाहर पहुंची, उसके कानों में एक आवाज गूंजी, आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, अब जल्दी करो, मुझे यहाँ से आजाद करो। यह सुनकर उस लड़की के कदम अपने आप खंडर के तरफ बढ़ गए। खंडर में एक कमरा था जिस पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उस लड़की के छूते ही ताला टूटकर अलग हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया। उस लड़की ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, वहां सैकड़ों आईने टूटने की आवाज आ गई। वह कमरा पूरी तरह से आईने से बना हुआ था। वहां तरह तरह के और अलग अलग आकार के आईने भरे हुए थे। उस लड़की ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, किसी ने जोर से ठहाके लगाए और उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया और वह आवाज फिर से लड़की के कानों में गूंजी, सदियों से तुम्हारा इंतजार मैं इस कैद में कर रही हूं, अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे आजाद कर दो। यह आवाज उस लड़की के कानों में गूंज रही थी और एकदम से वह चीख पड़ी, बस करो, बंद करो ये आवाज, मेरा सर फटा जा रहा है। और तभी किसी ने उसे नींद से उठाया, शिल्पा, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया तुम्हें? और शिल्पा ने अपनी आंखें खोली। वो अब तक कॉलेज के बस में ही थी और वो हैरानी से बोली, मैं बस में कैसी? और शिल्पा की फ्रेंड आरती ने कहा, अब हम कॉलेज के ट्रिप में बस से ही तो आए हैं, वैसे भी हमें पहुंचने में अभी 2-3 घंटे का टाइम है। आरती के बात से शिल्पा हैरान थी। शिल्पा ने सोचा, मैं बस में कैसे हो सकती हूँ, मैंने तो देखा कि मैं किसी खंडर के बाहर थी और वो मिरर वाला कमरा, मैंने कपड़े भी तो यही पहने थे, तो ये सपना कैसे हो सकता है? तभी आरती ऊंची आवाज में बोली, क्या हो गया फिर से तुझे? अरे यार, मुझे समझ नहीं आता कि तू कौन से ख्यालों में खोई होती है। और शिल्पा बोली, नहीं कुछ नहीं। फिर शिल्पा अपने मन में बोली, शायद कोई सपना था लेकिन बहुत अजीब था। इतना कहते हैं शिल्पा ने जैसे ही अपने बालों को समेटने के लिए अपना हाथ अपने चेहरे के पास लिया तो वो हैरान रह गई। उसके हाथ पर एक कटा हुआ निशान था और ये देखकर वो चौंक पड़ी और बोली, ये कट मेरे हाथ पर कब लगा? शिल्पा की बात पर आरती की नजर भी शिल्पा के हाथ पर गई और वो घबरा कर बोली, बहुत ही गहरा कट लगा है, ये कब लगा? शिल्पा बोली, पता नहीं। फिर उसे याद आया कि वो जब आईने वाले कमरे में गई थी, वह आईना टूटकर उसके हाथ पर गिरा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? सपने में उसे हाथ में चोट लगी थी, इसका इफेक्ट रियलिटी में कैसे हो सकता था? शिल्पा को एसी बस में बैठकर पसीना आ रहा था और आरती को लगा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, इसलिए आरती ने तुरंत बोतल खोलकर उसे पानी पीने के लिए दिया। शिल्पा पानी पी रही थी कि एकदम से बस में ब्रेक लगा। अचानक बीच रास्ते में बस के रुकने से सारे स्टूडेंट परेशान हो गए थे और ड्राइवर को भी आवाज लगा रहे थे। उनके साथ आए प्रोफेसर ने जब मालूम किया तो पता चला कि बस में कोई प्रॉब्लम हो गया है, ड्राइवर कोशिश कर रहा है लेकिन बस चालू नहीं हो रही। सारे स्टूडेंट बस के नीचे उतर गए और ड्राइवर को घेर कर खड़े थे। आरती भी नीचे चली गई, लेकिन शिल्पा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वह अभी भी बस में बैठी हुई थी। बॉयज कैंप लगा रहे थे ताकि कुछ खाने के लिए बनाया जा सके, इसलिए प्रोफेसर ने बोला सब मिलकर जल्दी जल्दी उनकी हेल्प करें। शिल्पा चुपचाप आरती के साथ बस से उतर गई। उसने देखा कि बीच में सड़क थी और दोनों तरफ जंगल ही जंगल थे। यहाँ की सड़क और यहाँ इन जंगलों की तरफ देखकर शिल्पा का मन घबरा गया, उसे डर लगने लगा था। इतने में वहां एक बुजुर्ग आता है, उसके हाथ में खाने पीने की कुछ चीजें थी। प्रोफेसर और सारे स्टूडेंट को देखकर उस बुजुर्ग ने प्रोफेसर से पूछा, क्या बात है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, गाड़ी तो बंद नहीं पड़ी? प्रोफेसर ने कहा, जी हमारी बस खराब हो गई है,
आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं अगर आज रात के लिए पास में रुकने की कोई जगह हो तो। और उस बुजुर्ग ने सारे स्टूडेंट की तरफ देखा और आखिर में उसकी नजर शिल्पा पर पड़ी। शिल्पा को देखते ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शिल्पा को उसके इस तरह मुस्कुराते देख घबराहट हो गई थी। जी यही जंगल के पास एक पुराना किला है जिसका चौकीदार मैं हूँ, वही जा रहा हूँ। आप लोग चाहे तो आज की रात वहाँ रुक सकते हैं। अगर जंगल में रहे तो सांप और जानवरों का भी डर है। प्रोफेसर को उन बुजुर्ग की बात अच्छी लगी। प्रोफेसर ने बोला, सब काम छोड़ दो कि चलो हम उस किले में चलते हैं। सब उस बुजुर्ग के साथ चल पड़े। शिल्पा जैसे जैसे उस किले की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे यह सब कुछ जाना पहचाना लग रहा था और उसे अपने सपने का ख्याल आया। सपने का ख्याल आते ही उसके कान में धीमी आवाज गूंजी, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मेरी तरफ बस कुछ ही कदम की दूरी पर हो, तुम जल्दी आओ और मुझे आजाद कर दो। इस आवाज को सुनकर शिल्पा ने चारों तरफ देखा और उसे इस तरह चौंकते हुए देखकर आरती ने पूछा, क्या हो गया, ऐसा क्यों देख रही है, जल्दी कर, शाम होने वाली है। इससे पहले शिल्पा कुछ बोलती, उसे देखकर उसके फ्रेंड्स हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे कि शिल्पा अब जागते हुए भी सपने देखती है। जल्दी वह बूढ़ा आदमी इन सबको लेकर किले के अंदर पहुंचा। उस किले पर नजर पड़ते ही शिल्पा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि वह वही खंडर था जो शिल्पा ने अपने सपने में देखा था। ती बेहोश होने लगी। तभी उसके दोस्तों ने उसे जल्दी से पकड़ा और उसे एक जगह बिठाया और उसे पानी पिलाया। प्रोफेसर ने पूछा कि आखिर शिल्पा को क्या हुआ। आरती ने बताया, सुबह से ही इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और इसे आराम की जरूरत है। सब लोग शिल्पा को घेरे खड़े थे। तभी शिल्पा की नजर खंडर के ऊपरी मंजिल पर बने एक कमरे पर पड़ गई। उसे लगा उस कमरे के खिड़की पर कोई खड़ा है और शिल्पा की तरफ देख रहा है। शिल्पा को लगा कि शायद उसका कोई वहम था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों में खौफ साफ दिखने लगा था, क्योंकि उस खिड़की पर जो खड़ा था और उसे बुला रहा था वह कोई और नहीं बल्कि खुद शिल्पा थी, या शायद शिल्पा की कोई हमशक्ल। आखिर क्या थी शिल्पा के सपने की हकीकत और क्या था खंडर का राज? शिल्पा का खंडर के साथ क्या कनेक्शन था और वो क्या था जो शिल्पा को बार बार अपनी तरफ बुला रहा था? रहस्यमय आईना के आगे की कहानी जानने के लिए देखिए रहस्यमय आईना पार्ट 2। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।